रुको ए रुक खोल ऋषि लक्ष्मी दरवाजा खोलो तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ खोल खोलो दरवाजा कहाँ गए ये लोग निठल्लों की फौज जमा की है मैंने नहीं छोड़ूंगा इन सबको नहीं छोड़ूंगा अरे चलो तुम मिलो रोज ही मगर है ये बात भी बच्चों को ढूंढना है हाँ हाँ अब क्या करोगे तुम सीएम बनना चाहते थे पर सबने तुम्हें देख लिया है सबको पता चल गया कि तुम ही हो जो सीएम को मारना चाहते थे अब क्या करोगे तुम्हारा प्लान तो पूरी तरीके से फेल हो गया ओजस का प्लान कभी फेल नहीं होता है जो मैं तय करके आया था वो मैं कैसे भी करूंगा सीएम को मारने आया था सीएम कैसे भी मरेगी पर तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया है हाँ तो सबके सामने नौटंकी करूंगा सबको यकीन दिला दूंगा कि मैं निर्दोष हूँ सीएम के सामने भी तो यही करता था ना मैं अगर मैं सीएम ना भी बना ना तो कोई परवाह नहीं मेरी माँ ऑटोमेटिकली सीएम बन जाएगी माँ सीएम बन जाएगी पर तुम्हें तो जेल हो जाएगी ना हाँ तो होने दो कितने दिन रहूंगा मैं सलाखों के पीछे मेरी माँ मुझे संभाल लेगी कैसे भी करके मुझे बाहर निकाल लेगी तुम्हें क्या लगता है मैं बिना प्लान बी के यहाँ आया हूँ मैं सब कुछ सोच समझ के आया हूँ कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ संभाल लूंगा सीएम कैसे भी मरेगी और उसका मर्डर लक्ष्मी करेगी क्या हाँ मेरा प्लान भी तैयार है इसके लिए लेकिन इसके लिए उन बच्चों को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है एक बार वो बच्चे पकड़ में आ जाए ना फिर मेरी जीत पक्की है तुम दोनों ठीक हो ना हाँ हाँ बड़ी गली पारो ठीक है और रोहन भी बच्चे तो मिल गए लेकिन अब क्या करेंगे अब हम पुलिस को लेके आएंगे और इन गंदे अंकल को पकड़वाएंगे हाँ हम उनको जेल करवाएंगे हाँ फिर पुलिस इन गंदे लोगों को सजा देगी खूब पिटाई होगी इनकी चलो हम पुलिस के पास चलते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है पारो पुलिस अपना काम कर रही है पुलिस आ चुकी है और तुम देखना बहुत जल्द ना इन बुरे लोगों को पकड़ भी लेंगे कोई आवाज नहीं करेगा देखिए आप लोग हम लोगों को जाने दीजिए प्लीज बच्चों को छोड़ दीजिए आपको जिसको पकड़ के लेके जाना आप लेकर जाइए जो करना ही करिए बस हमारे बच्चों को जाने दीजिए चुपचाप रहो कोई आवाज नहीं करेगा चलो चिंता मत करो मुझे मेरा प्लान याद है लक्ष्मी मरेगी जरूर मरेगी ये ओजस चाहता क्या है चल क्या रहा है इसके दिमाग में